दोस्तों आज हम आपको हनुमान जी के पांच सबसे प्राचीन और चमत्कारिक मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमें रामायण और महाभारत की याद दिलाते हैं। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑल फैक्ट्स हिंदी पर, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1 पांडुपोल हनुमान मंदिर, जिला अलवर राजस्थान। हनुमान जी की अनोखी प्रतिमा वाला यह मंदिर राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। अलवर से लगभग 55 किलोमीटर दूर सरिस्का अभयारण्य और अरावली की सुंदर वादियों में स्थित इस मंदिर के स्थान को पांडुपोल के नाम से जाना जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर महाभारत काल की याद दिलाता है। कहा जाता है कि मंदिर उसी स्थान पर बना है जहाँ हनुमान जी ने आराम किया था। पांडुपोल वह प्राचीन स्थान है जहाँ महाभारत के भीम ने विशाल दैत्य हिडम्ब को मारकर उसकी बहन हिडम्बा से विवाह किया था और पांडवों ने वनवास के दौरान यहीं शरण ली थी। नंबर 2 हनुमान धारा, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक स्थान से 3 किलोमीटर दूर पर्वतमाला के मध्य भाग में यह हनुमान मंदिर स्थापित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर जल के 2 कुंड हैं जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। कहा जाता है कि श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहाँ लंका दहन से उत्पन्न मेरे शरीर का ताप मिट सके। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह स्थान बतलाया था। नंबर 3 श्री बाल हनुमान मंदिर, जामनगर, गुजरात। जामनगर गुजरात का एक शहर है। यह अरब सागर से लगा कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। सन 1540 में जामनगर की स्थापना के साथ ही स्थापित यह हनुमान मंदिर बहुत ही चमत्कारिक माना जाता है। यहाँ पर सन 1964 से श्री राम धुन का जाप लगातार चलता आ रहा है, जिस कारण इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। नंबर 4 प्राचीन हनुमान मंदिर, कन्नाट प्लेस, नई दिल्ली। दिल्ली का ऐतिहासिक नाम इंद्रप्रस्थ शहर है जो यमुना नदी के तट पर पांडवों द्वारा महाभारत काल में बसाया गया था और तब पांडव इंद्रप्रस्थ और कौरव हस्तिनापुर में राज्य करते थे। हिंदू मान्यता के अनुसार पांडवों में भीम को हनुमान जी का भाई माना जाता है। दोनों ही वायुपुत्र कहे जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय पांडवों ने इस शहर में 5 हनुमान मंदिरों की स्थापना की थी। ये मंदिर उन्हीं 5 में से एक है। नंबर 5 गंधमाधन पर्वत, कन्याकुमारी से 4 कोस पूर्व में सुचिंद्रम नामक स्थान पर महावीर हनुमान की लगभग 13-14 हाथ ऊंची कनक भुक्ताकार सिंहासनसीन मूर्ति स्थापित है जो संपूर्ण भारतवर्ष में अद्वितीय है। यहाँ समीप ही गंधमाधन पर्वत है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ केसरी नंदन का जन्म हुआ था। इसी पर्वत पर हनुमत कुंड नामक तीर्थ स्थान है। कहा जाता है कि लंका विजय के पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र ने इस स्थान पर स्नान कर विश्राम किया था। माना जाता है कि इस कुंड का निर्माण स्वयं रामदूत ने किया था। वर्षों से यह विश्वास फैलता आया है कि बांझ स्त्री यहाँ स्नान कर पुत्रवती बनती है। दोस्तों अगर आप भी हनुमान जी पर श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट पर जय श्री राम लिखना न भूलें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दें। धन्यवाद।